प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। और मैं पंडित मनोज नोटियाल यहाँ कैराना में सर्व ज्ञान मोहल्ले में 14 साल से लगातार यही सेवा दे रहे हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी कुंडली भी देखिए, हमने श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी कुंडली के बारे में कई लोगों ने कहा कि पंडित जी आप इनकी कुंडली का विश्लेषण करिए। उनकी जो नेट पे चलती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ओरिजिनल टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से हम उनका ओरिजिनल टाइम और डेट ऑफ बर्थ ली है। और इसके बाद हमने विश्लेषण जब कुंडली में किया है तो इस कुंडली में विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से, योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ आपको। ज्योतिष के अनुसार जो हमें जितना भी ज्ञान है, ज्योतिष के माध्यम से जितना भी हमें ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार हमने यह कुंडली का विश्लेषण इनका किया है। और योगी जी के बहुत अच्छे ग्रह हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो अच्छे ग्रह हैं, भगवान ने उनको ऐसे टाइम में उत्पन्न किया परमात्मा ने कि ऐसा व्यक्ति पहले से ही देखा अपने कि उन्होंने अपना गृहस्थ को त्याग करके और बाबा गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने अपनी सेवा दी है। और बहुत अच्छे तरह से कुंडली में जो ग्रह उनके जब विश्लेषण करने पर हमें पता चला, देखा तो बहुत अच्छे ग्रह उनके हैं, उनके ग्रह इतने बलवान ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, जो उनके टाइम और डेट और टाइम के अनुसार हमने उनका विश्लेषण करके जो दशाएं, प्रत्यंत दशाएं, महादशाएं, ग्रह का बल कितना बल है, नीच में कौन सा ग्रह, ऊंच में कौन सा है, किस ग्रह में कहाँ की कौन सी दृष्टि पड़ रही है, कार्य क्षेत्र में है, कर्म क्षेत्र में है, राजनीतिज्ञ में है, तो इनके जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे ग्रह हैं। इनके इतने अच्छे ग्रह हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी कुंडली में हम आपको इस ज्योतिष के अनुसार, अपनी गणना के अनुसार जितना भी हमें ज्ञान है बिल्कुल दाव के साथ कह सकते हैं कि 2022 में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और आने वाला जो आगे इनका टाइम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि 2026 से और 29 के बीच में इन्हें कोई बड़ा पद प्राप्त होगा, यह हम आपको भी ज्योतिष के अनुसार और गणना के अनुसार कह सकते हैं कि जो 2026 का टाइम है और 29 के बीच में इन्हें प्रधानमंत्री का पद भी इन्हें प्राप्त हो सकता है। और प्रधानमंत्री के पद के जो छोटा सा नीचे होता है गृह मंत्री, गृह भार या रक्षा मंत्री, कोई ना कोई इन्हें पद अवश्य प्राप्त होगा 2026 से और 29 के बीच में। आपको इनकी कुंडली के विषय में जो मैंने विश्लेषण किया है थोड़ा उसके विषय में आपको बता दूं, इनकी जो कुंडली है वो कर्क लगन की है। कर्क लगन में इनका केतु है, सबसे पहले इनका जो कर्क लगन है कर्क लगन में केतु है, फिर सिंह लगन, कन्या लगन, तुला और ये वृश्चिक लगन। अब आप देखिए देखिए इनका जो है वृश्चिक लगन में बुध और बृहस्पति पंचम का बैठा हुआ है, जो लगन से पांचों स्थान है। अब यहाँ पर जो वृश्चिक है, वृश्चिक का जो स्वामी बैठा हुआ है वो यहाँ भाग्येश में बहुत अच्छा योग इनका बन रहा है। अब इसके संबंध में जैसे कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति इनका पंचम स्थान में बैठ गया, विद्या और बुद्धि के धनवान, जो कि वेद शास्त्र को ज्ञाता और विज्ञान अपितु विज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान इन्हें प्राप्त है। जैसे वेद से विज्ञान और हमारे सत्य सनातन धर्म में रुचि रखने वाले ऐसा व्यक्ति होता ही है, क्योंकि जिसका पंचम स्थान में बृहस्पति हो चाहे किसी राशि का हो, वैसे भी इस राशि का जो स्वामी है वो भाग्येश में बैठा हुआ है और इस राशि का जो स्वामी है वो भाग्य में, जैसे कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति पंचम स्थान में बैठ गया और पंचम स्थान में बैठने के बावजूद भी वहां बुध साथ में है, तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है। शत्रु घर में इनका सूर्य है, क्योंकि शत्रु की इनके आगे बहुत मुश्किल है। और आपस में जो अंदरूनी इनके थोड़ा बहुत जो लोग हैं अंदरूनी भी, जो इन्हें थोड़ा सा उस चीज से बचाव रखना पड़ेगा। आगे जो सप्तम में इनका मकर राशि का राहु और शुक्र साथ में है, ये युति भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जो पंचम स्थान में ग्रस्त को त्यागना, पंचम स्थान में बुध बृहस्पति के साथ, इसीलिए इन्होंने अपने ग्रस्त को त्यागा है बचपन से ही और इसी ग्रह ने इन्हें
जो बल दिया है बहुत बड़ा बल प्राप्त हुआ है, विद्या के धनी हैं, बुद्धि के धनी हैं, और आगे जो ये मंगल इनका भाग्येश में बैठा हुआ है इन्हें ये अवश्य विजय प्राप्त कराएगा, क्योंकि लगन का, मेष का और वृश्चिक का, इन दो घरों का जो स्वामी है वो भाग्येश में बैठा हुआ है, जो इन्हें भाग्य से बहुत बड़े प्रबल हैं। इनका भाग्य इतना प्रबल है कि आप खुद देख लीजिए कुंडली में, और इस हिसाब से जो कर्क लग्न है इनकी जो राशि बनती है वो वृष राशि है, चंद्रमा यहाँ ऊंच का है। अब जब चंद्रमा ऊंच का है तो यहाँ पर शनि भी है, शनि वृष राशि का बैठा हुआ एकादश स्थान में, तो एकादश स्थान में शनि राजयोग, चंद्रमा साथ में है तो राजयोग, तो इसलिए जो है अब इनकी जो दशा चल रही है अपने हमने गणित के अनुसार और उन्हें टाइम और जो ओरिजिनल टाइम और डेट ऑफ बर्थ है उनके हिसाब से हमने देखा है, तो उस हिसाब से इनकी शनि की महादशा 2019 में शुरू हुई है, और 2019 में जब शुरू हुई है तो 2019 में शुरू होने पर शनि हमेशा शीर्ष सवार होता है, तो शनि जो है वह चंद्रमा के साथ जहां पर एकादश स्थान में वृष राशि का बैठा हुआ है, इसलिए ये बहुत प्रबल हो गया है। आने वाले टाइम में इनका जो टाइम अब शुरू हो गया है वो बहुत अच्छा टाइम है, 2026 से और 29 के बीच में इनका बहुत प्रबल टाइम आ जाएगा, जो कि इनकी मंगल की दशा और मंगल का जो बैठा हुआ, मंगल जिस स्थान में भाग्येश में मंगल बैठना, क्योंकि दशम का मंगल, अगर दशम घर में मंगल होता कुल कुल का दीप माना जाता है, किसी राशि का अगर मंगल दशम स्थान में बैठा हो तो बहुत ऊंच राशि का मानो उसे कुल का दीप माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसका स्वामी भाग्येश में बैठा हो बृहस्पति के स्वामी के साथ तो वो तो बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति की तीन दृष्टियां हैं, बृहस्पति की पंचम सप्तम और नवम दृष्टि, अब ये बृहस्पति यहां से पांचों दृष्टि को देखता है तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अपने घर पे पड़ रही है पंचम दृष्टि, अपने घर पर पड़ रही है सप्तम दृष्टि, वहां से 6 सप्तम दृष्टि पड़ रही है वृष राशि पर जहां ऊंच का चंद्रमा है, उसके बाद जो है सप्तम दृष्टि वहां से पड़ रही है इनकी, नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम अष्टम नवम भाग्य उसमें लग्न में पड़ रही है, वहां कर्क का केतु बैठा हुआ है। इस हिसाब से जो कुंडली का हमने अपने ज्ञान के अनुसार इनका विश्लेषण किया है, अवश्य 2022 में हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे, मैं अपने इसे बिल्कुल उससे कह सकता हूँ। आने वाले टाइम में 2026 से लेकर के और 2029 के बीच में इनका बहुत अच्छा टाइम है, और उस टाइम जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद में अवश्य इन्हें यह बृहस्पति अवश्य लाएंगे, और आने वाले 2022 में इन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, ये मैं आप ज्योतिष के